अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज्जज नाज़रीन व सामईन, गुज़िश्ता दिनों की तरह आपकी खिदमत में फिर आज एक नमाज से मुताल्लिक मसला लेकर हाजिर हूँ। आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप रोज़ाना इस मुखलिस नईमी चैनल को अपना कीमती वक्त देते हैं, और नए अहबाब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमेशा दीनी मसला सीखने का मौका फराहम हो। आइए उस मसले की तरफ हम चलते हैं जिस मसले को लेकर आपकी खिदमत में आज हाजिर हुआ हूं। हजरात, वो मसला ये है कि उल्टा कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ना मकरूहे तहरीमी है। किसी शख्स ने उल्टी कमीज, उल्टी शर्ट या उल्टा कुर्ता पहनकर, पैंट पहनकर नमाज पढ़ ली तो उसकी नमाज मकरूहे तहरीमी होगी, और ऐसी नमाज को दोबारा पढ़ना वाजिब और जरूरी होता है। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि किसी शख्स का अंदर का कपड़ा अगर उल्टा हो और ऊपर का कपड़ा सीधा हो, मिसाल के तौर पर शर्ट तो सीधी है लेकिन अंदर की जो बनियान है वो उल्टी है, तो इस सूरत में नमाज कैसी होगी, नमाज सही अदा होगी या नमाज कराहत के साथ अदा होगी। सूरत मसला ध्यान रखें कि अंदर का कपड़ा अगर उल्टा है और इस सूरत में इंसान नमाज पढ़ ले तो उसकी नमाज किस तरह से अदा होगी, सही होगी या कराहत के साथ अदा होगी। तो हज़रात, फतावा मरकज़े तरबियत इफ्ता जिल्द अव्वल सफा नंबर 237 के अंदर यह मसला मज़कूर है कि अंदर का कपड़ा अगर उल्टा है तो नमाज में कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता बेहतर यह है कि वह अंदर का कपड़ा भी उल्टा ना हो बल्कि सीधा हो। मुझे उम्मीद है ये मसला आप तक आसानी के साथ पहुंचा और आप इसे आसानी के साथ समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं एक नए बयान के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।